Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shemaroo Kids. Shemaroo Kids. तो कहानी सुन के एंजॉय तो कर रहे हो ना? अच्छा जोम्बो भाई, ये जो ट्रॉफी आपने जीती है उसके कॉन्टेस्ट में पूरा गैलेक्सी पार्ट लेता है? जी, पूरा ब्रह्मांड पार्ट लेता है। पूरा ब्रह्मांड? वाह, आपको पता है ना, बाल गणेश जी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या? मुझे तो ये नहीं पता था। अरे फिर तो ये स्टोरी आपको सुननी ही पड़ेगी, सुनो। बगम प्रभु ये कह रहा है कि इसने नंदी की अति सुंदर मूर्ति बनाई है। नंदी की मूर्ति? अगम, नंदी और तुम्हारा पिछले जन्म का बैर है क्या? हमेशा लड़ते रहते हो। वाह प्रभु, आपने तो बहुत सुंदर मोदक बनाए हैं। आपके बनाए मोदक को देखकर पेट में मूषक दौड़ने लगे हैं प्रभु। पेट में मूषक? किंतु मूषक यहाँ है। वही तो प्रभु, भूख के मूषक लाज शर्म छोड़ के पेट से बाहर आ गए हैं। कुछ कीजिए प्रभु। यहाँ पास में ही गौतम ऋषि का आश्रम है, मुझे लगता है वहाँ हमें भोजन मिल जाएगा। चलो मेरे साथ। जब सुगंध इतनी उत्तम है तो भोजन कितना उत्तम होगा। प्रणाम गुरु माँ। अरे बाल गणेश, आप कहिए कैसे आना हुआ? माते भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्षमा प्रभु, मैं भोजन नहीं बल्कि प्रसाद बना रही हूँ जो पूजा के पश्चात ही मिल सकता है। यदि आप मुझे समय दें तो पूजा के पश्चात मैं कुछ बना देती हूँ। किंतु माते, मुझे और मेरे मित्रों को बहुत तेज भूख लगी है, प्रतीक्षा संभव नहीं। तब तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। अरे याद आया माते, ऋषिवर ने आपको बाहर बुलाया है, भूख की वजह से मैं आपको बताना ही भूल गया। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया है, परंतु वो तो ध्यान में थे। चलो चलो जल्दी भोजन उठाओ और निकलो यहाँ से। किंतु प्रभु ये तो। नंदी जी, ये तो वो तो बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऋषिवर तो ध्यान में है पर बाल गणेश ने तो हे भगवान, ये सही नहीं किया आपने बाल गणेश। ये कैसा ध्यान है आपका ऋषिवर? यहाँ आपकी पत्नी को एक बालक छल कर चला गया और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा क्या हो गया अहिल्या जो आपने मेरा ध्यान भंग कर दिया? शिव, पार्वती पुत्र बाल गणेश और उनके साथ ही आए थे।
की शैतानियां बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। ओम नमः स्वाहा। वाह प्रभु, गुरु माँ के हाथों में तो जादू है। इसलिए तो हम ये सब बिना पूछे ले आए। हाँ, किंतु प्रभु, हमें गुरु माँ की आज्ञा से ही ये भोजन लाना चाहिए था। क्यों? हम अपनी माँ के साथ भी तो ऐसा ही करते हैं। माँ के साथ ऐसी शैतानी अपराध नहीं होती नंदी जी। नहीं प्रभु, मेरे विचार से नंदी जी सही कह रहे हैं। मैं नहीं करूँगा ये भोज। तुम सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गौतम ऋषि ने तुम्हारे सर पर तलवार रख दी हो। गुरु पिता, आप उच्च कोटि का ज्ञान रखने के बाद भी आपने चोरी की? नहीं गुरु पिता, ये चोरी नहीं, माता के साथ शरारत है। जो भी है बाल गणेश, ये कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, वो भी आपकी माता के हाथों। अब क्या होगा? माँ पार्वती को इसके बारे में पता चला तो हम सब तो गए काम से। नहीं ऋषिवर, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। मेरा बाल गणेश कभी चोरी नहीं कर सकता। आप जगत जननी हैं माँ, आप स्वयं ज्ञात कर लीजिए कि हम सच कह रहे हैं या झूठ। ऐसा है तो हम अपने पुत्र के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं ऋषिवर, और हम वचन देते हैं आपको कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। यही मैं चाहता हूँ माँ। प्रणाम। माँ, वो खेलते खेलते भूख लग गई थी तो, किंतु मैंने गुरु माँ से पूछा था, उन्होंने नहीं दिया तो। उन्होंने नहीं दिया तो तुम चोरी करोगे? नहीं माँ, ये चोरी नहीं, गुरु माँ से डिठोली थी। बस बाल गणेश, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी जिसके बाद तुम भूल कर भी कभी कोई शैतानी नहीं करोगे। माँ, आप कहाँ ले जा रही है? बताओ ना। अंधेरी कोठरी है। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? मुझे क्यों बांध रही हैं आप? कुछ देर यहाँ रहोगे तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। नहीं माँ, मुझे यहाँ मत छोड़ो, क्षमा कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। माते, प्रभु को छोड़ दीजिए माते, उनके अपराध के हम भी हिस्सेदार हैं। जानती हूँ, तुम सब की संगत से ही मेरा बाल गणेश बिगड़ा है। अवश्य तुम सब ने ही उसे चोरी के लिए उकसाया होगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गला सूख रहा है, पानी। पानी माँ? कैसे? मैंने तो तुम्हें माँ। या तो कोई नहीं, ये मृग मरीच का थी या फिर कुछ और था। माँ, मोदक दो ना। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे हर जगह बाल गणेश क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ माँ? मुझे बांध कर आप दुखी है ना? इसीलिए बार बार मुझे देखने आ रही है कि मैं कुशल हूँ कि नहीं, है ना? बाल गणेश, तुम ये
कौन सा छल कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो? ये छल नहीं है माँ, यही सत्य है। मैं कण कण में हूँ। बात को घुमाओ मत बाल गणेश, बताओ मुझे सच क्या है। सच समझने के लिए आपको मुझे खोलना होगा माँ। चुराया। ऐसा नहीं होता तो मैं अपने पुत्र का ये सृष्टि रूप कभी नहीं देख पाती। अब चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं मोदक परोसती हूँ। तुम सब ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? जाओ तुम सब भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। लो फिर मक्खन लगाना शुरू। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.